Oh my god. Oh my god. So what's up everybody? आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं. That is a DIY. So actually ना मेरे पास एक कीबोर्ड था जिसको मैंने यूज़ बहुत पहले करता था. मैं जिसको 2 साल पहले यूज़ करता था एंड कल कुछ गेम्स खेल रहा था मैं एंड मुझे कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसको ढूंढ के निकाला. बट इसका जो वायरिंग है कुछ गड़बड़ है और ये चल नहीं रहा. सो नाउ मैंने सोचा है कि इसको मैं खोलूँगा. ये जो ब्लैक फ्रेम देख रहे हो आप पूरा, इसको हम लोग एक नया मॉडिफाइंग कलर देंगे. दैट इज़ मैंने सोचा हुआ है रेड कलर दूँ. रेड कलर अच्छा लगेगा क्योंकि ये मेरे माउस पैड से मैच करता है एंड आई लव दिस कलर. एंड आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर जो ये वायरिंग है इसको मैं ठीक करना जानता हूँ कैसे करना है. सो इसको ठीक करते हैं एंड पहले तो इसको खोल लेता हूँ एंड इसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसको एक जगह पे रख लेता हूँ ताकि ये कहीं घूम ना जाए. सो लेट्स गेट थ्रेंड द वीडियो. सो पहले इसको खोल लेते हैं हम लोग. इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, पीछे कुछ स्क्रूज है इसको खोलना है बस. सो मैंने चेक किया था कि एक जो स्क्रू है इसका ये टूटा हुआ है एंड इसको निकालना थोड़ा ईजी होगा क्योंकि इसको खोलना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली निकल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. 3, 2, 1 गो. तभी तो है तुम्हारे पास, ना छोड़ो कभी हमारा साथ, कभी ना कभी तो नजर आ. सो गाइज ये जो चीज़ है मतलब जो फ्रेम है वो मैंने निकाल लिया कम्प्लीटली. आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ये देखिए ये जो फ्रेम है इससे सारा चीज़ निकाल लिया एंड बस एक फ्रेम बाकी रह गया. बस इसमें क्या करना है, इसको मुझे मास्क करना है ये सिल्वर पीस को. बाकी पार्ट पूरा रेड होगा. जस्ट एक काम करना बाकी है, इसको पूरा क्लीन करना है. इसमें बहुत डस्ट रह गया अंदर एंड इसको क्लीन करके आपको रेडी करके दिखाता हूँ मैं. दिस विल बी द स्पॉट वेयर आई विल डू दिस जॉब. सो आप लोग को दिखाता हूँ कैसे करना है. सो गाइस मास्किंग कर लिया है मैंने कीबोर्ड पर, आपको दिख रहा है. नाउ अभी हम लोग करने वाले हैं रेड स्प्रे पेंट. ओके, तो उसके लिए मेरे पास एक्रेलिक स्प्रे पेंट है मरीन कोटिंग्स का. ये वाला मुझे पड़ा था कुछ 100 रुपीज़ का. नाउ इसको हम लोग स्प्रे पेंट करेंगे. मेरा हम कम्प्लीटली एक आइडिया है कि इसको कम्प्लीट जो है रेड स्प्रे पेंट करें. नाउ अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये मार्किंग्स वार्किंग्स कहाँ जाएंगे, इंटेक्स का वो सब, तो वो भी गायब हो जाने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. क्योंकि
कंपनी का जो मार्क है वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, ये कंप्लीट नया मॉडिफाइड रेड कलर हो जाए। ओके सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये कितना मतलब एक अलग ही टाइप का कलर है, जो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा कलर है, क्योंकि ये जो है वो खा रहा है उस मतलब प्लास्टिक को थोड़ा थोड़ा खा रहा है। ओके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा ये खा रहा है, ये जो है आपको दिख रहा है पूरा शाइनी रेड कलर का लग रहा है, पर नेचुरली आप देखोगे तो आपको कुछ ब्लैक कलर जैसा दिखेगा। देखो यहाँ पे पास से देखो पूरा खा रहा है ये चीज़। सो ये कलर मुझे पता नहीं अच्छा होगा, अभी ये सूखा नहीं है तो बोल नहीं सकते कि अच्छा दिखेगा कि नहीं, पर अभी तक तो बहुत हद तक 75% अच्छा लग रहा है। एंड बाकी यहाँ पे देखो पोर्स निकल आ रहे हैं इसके कुछ, सो गॉड नोस क्या होने वाला है, ये सूख तो जाएगा जल्दी। सो गाइस कलर तो अच्छा लग रहा है, बट अभी सोचता हूँ, अभी से सूख चुका है ये बहुत, अभी से लगा देता हूँ कीज ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए, तो ट्राई करते हैं लगाने का। But now
हल चल हो जाए घबराए आए आए ना सब रब जब खो जाए घबराए आए आए ना हम ही बर्बाद हम ही है बरदान हम ही बर्बाद हम ही है बरदान तेरे नाम सो गाइस जितना कीज लगाना था मैंने लगा दिया कम्प्लीटली कीज लग चुके हैं अब हमारा काम ये है ये स्टिकर निकालना सो ओके स्टिकर को हटाते हैं बहुत उससे पहले इसको एक बार कट कर लेते हैं ताकि जो पेंट है एक्स्ट्रा वो ख़राब ना कर दे एक मतलब थोड़ा सा भी नहीं लगा नाइस दिस इज कॉल्ड प्रिसिशन मैन अमेजिंग नाउ लुक्स के हिसाब से बहुत अमेजिंग बना वो एवेंजर्स का वो आया था ना एंड गेम में वैसा क्लोथिंग डिजाइन हुआ है एवेंजर्स का नाइस ओके अब इन पे हम रबर्स चढ़ा देते हैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ